सड़क पर सामान रखा, निगम ने लिए फोटो, दिए नोटिस, जमा हुआ जुर्माना। आपको बता दें 20/3/2023 नगर निगम कोटा दक्षिण में राजेश डांगा उपायुक्त नगर निगम कोटा के निर्देशानुसार अतिक्रमण हटाए जाने की कार्यवाही निरंतर की जा रही है। नगर निगम कोटा दक्षिण में कई दिनों से शहर को स्वच्छ एवं अतिक्रमण मुक्त किए जाने की कार्यवाही की गई है। अतिक्रमण निरोधक समिति के अध्यक्ष पीडी गुप्ता ने बताया कि कोटा शहर में सभी प्रकार के व्यापारियों एवं दुकानदारों को समय समय पर सूचित कर समझाइश के माध्यम से अतिक्रमण नहीं किए जाने के लिए मुनादी करवाई गई थी, परंतु कुछ दुकानदारों द्वारा अतिक्रमण टीम के जाते ही अपना सामान प्रतिष्ठानों के बाहर रख लेते हैं, जिसके कारण अतिक्रमण हटाने की कार्यवाही फौरी कार्यवाही बनकर रह जाती है। राजेश डांगा उपायुक्त ने बताया कि ऐसे दुकानदारों एवं व्यापारियों के अतिक्रमण करने की प्रवृत्ति को हतोत्साहित करने के लिए निगम टीम को निर्देश प्रदान किए गए कि जिन भी दुकानदारों ने बाहर सामान रखा है उनके प्रतिष्ठानों के सामानों के फोटो लेकर उनको नोटिस देकर जुर्माने की कार्यवाही करें, जिससे अतिक्रमण को काफ़ी हद तक रोका जा सकता है। इस कार्यवाही को करते हुए केशवपुरा फ्लाईओवर से महावीर नगर चौराहे तक के निरीक्षण में 3 दुकानों के सामने सामान बाहर रखा पाया गया। टीम के द्वारा उनके फोटो लिए गए और 2,000 रुपये के नोटिस तीनों दुकानदारों को दिए गए। स्वास्थ्य निरीक्षक सुरेंद्र पवार द्वारा तीनों दुकानदारों से जुर्माना जमा करवाया गया। अन्य क्षेत्रों में भी हटाए गए अतिक्रमण। आयुक्त अंबालाल मीणा ने बताया कि नगर निगम कोटा ने आज गुमानपुरा मेन रोड स्थित अजमेरी सोडा एवं सोनू सोडा वाले को पूर्व में अतिक्रमण हटाने के लिए समझाइश की गई थी, परंतु अतिक्रमण नहीं हटाया गया। इस पर कार्यवाही करते हुए अतिक्रमण निरोधक टीम ने दोनों दुकानों को हटाकर सड़क सीमा से अतिक्रमण हटाया गया। इस कार्यवाही में प्रभारी अतिक्रमण मुकेश तंवर मैजाप्ते के साथ उपस्थित रहे। बीपीए न्यूज संवाददाता किशोर तंवर की रिपोर्ट।